बहुत ही आसान तरीके से एकदम परफेक्ट नाप के साथ। एक कटोरी चावल से बना 100 से भी ज़्यादा पापड़, वो भी बिना सोडा बिना पापड़ खार के, एकदम वाइट वाइट और एकदम खस्ता पापड़ जो खाते ही मुँह में घुल जाए। इससे पहले कि हम पापड़ बनाना शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम पापड़ बनाना शुरू करें। यहाँ पर मैंने एक कटोरा चावल लिए हैं, इनको अच्छे से धोकर रात भर के लिए पानी में गला लिया था। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से गल गए हैं और फूल भी गए हैं। परफेक्ट पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट नाप भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक कटोरा चावल लिए थे इसी कटोरे से, अब इसी कटोरे से 9 कटोरे पानी लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने 9 कटोरे पानी लिया है, अब हम इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमारा पानी गर्म हो जब तक हम चावल को पीस लेते हैं। देखिए हमने भीगे हुए चावल को मिक्सर में पीस लिया है, इस तरह से हमें पीस लेना है। चावल को पीसते समय हमने थोड़ा सा आधा कप पानी यूज़ करा है ताकि हमारे चावल का बैटर अच्छा स्मूथ हो जाए। यहाँ पर हमने सभी चावल को पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लगे हैं। अब हम इसमें चावल का घोल डालेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घोल डालेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे ब्लेंडर से ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से एक दो मिनट अच्छे से ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। पीसे हुए चावल को हमने गर्म पानी में डालकर अच्छा सा पतला घोल बना लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करा है। अब इसे हमें अच्छे से उकालना है, इस तरह से सही से हिलाते रहेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं। लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं इस तरह से। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे चावल के घोल में, इस तरह से ब्लेंडर से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से सब दूर मिक्स हो जाए। जैसे जैसे ये घोल उकलता जाएगा पापड़ का घोल गाढ़ा होता जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पापड़ के घोल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जैसे हम चावल बनाते हैं और अलग अलग क्वालिटी के चावल में अलग अलग पानी की मात्रा का यूज़ होता है, तो हो सकता है यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा लगे। यदि घोल गाढ़ा लगे तो आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना मिलाएं, इसमें आप पहले गर्म पानी करें फिर मिलाएं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, पहले थोड़ा सा मिला के देख लें। इसे उकालते उकालते लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पर इसे हमें अच्छे से और सिझाना है ताकि हमारे पापड़ फटे नहीं। इसके लिए हम इसे ढककर सिझाएंगे, लगभग 10 से 15 मिनट इसे हमने ढककर सिझाया है। बीच बीच में एक दो बार हमने खोल के इसको सरी से हिला दिया है ताकि तले में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब कि ये हो गया है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ताकि हम आसानी से चम्मच से फैला सके। अब हम गैस बंद कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। अब हम इस तरह से एक पॉलीथीन सीट लेंगे, उस पर थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाएंगे और इस तरह से चम्मच से थोड़ा थोड़ा पापड़ का घोल डालेंगे और इस तरह से चम्मच से फैला देंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म गर्म ही फैलाना है क्योंकि ठंडा होने पर घोल गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे पापड़ चम्मच से फैला लेंगे और इनको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। और आप देख सकते हैं दिन भर धूप में सुखाने के बाद हमारे पापड़ अच्छे से सूख कर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम दूसरे दिन भी थोड़ा सा धूप में रख दें ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इनको हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। पापड़ अच्छे से पूरी तरह से सूखे हुए होंगे तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। अब हम पापड़ को तल कर देखते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म होने के लिए, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें पापड़ तलने के लिए डालेंगे। वाह, देखिए हमारे पापड़ कितने अच्छे तलने पर वाइट वाइट हो गए हैं और आप देख सकते हैं तलने पर इनका साइज भी कितना बड़ा हो गया है। देखिए खाने में एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी खस्ता बने हैं, आप देख सकते हैं।